जस्कर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों मैथ 212 का चैप्टर नंबर 7 है ये, और मैथ 233 का ये चैप्टर नंबर 9 है। बच्चों ये दोनों मैथ का सेम चैप्टर है और हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे। बच्चों एमसीक्यूज नंबर सिक्स। अपर लिमिट क्या हमारे पास 2, लोअर लिमिट क्या हमारे पास 1, 3x2, 7 आ गया dx। बच्चों ये 3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट x2, 7 आ गया dx। बच्चों देखो इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल क्या है? इस पावर में ऊपर एक प्लस और यही पावर नीचे डिवाइड, दो लाइनें लगाकर ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट 7, 3, इसी तरह आ गया। बच्चों एक्स की पावर 3/3, दो लाइनें लगाकर ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। बच्चों ये 3, 3 के साथ कैंसिल, क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3, दो लाइनें लगाकर ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। बच्चों अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर इस एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। बच्चों 2/3, 8 आ जाएगा, माइनस 1/3, 1 के बराबर। बच्चों कितना आंसर आएगा? 7। बच्चों इसका 7 कौन सा जोज बनेगा? ए जोज बन जाएगा इसका आंसर, सर्कल लगा देंगे। बच्चों ये था एमसीक्यूज नंबर 7, अब करेंगे एमसीक्यूज नंबर 7, वो था 6। अपर लिमिट 1 आ गई, लोअर लिमिट क्या हमारे पास? 0/1/x2+1, 7 आ गया dx। बच्चों क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x, मौजूद नहीं है। बच्चों 1/x2+1 की इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स x। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स x, दो लाइनें लगाकर ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। अब बच्चों लिमिट लगा देंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह पर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारे पास? 0। x की जगह पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस लगाकर x की जगह पर लोअर लिमिट। बच्चों इसकी वैल्यू जब निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये tan इनवर्स 1 किसके बराबर आएगा? 45 डिग्री के। बच्चों किसके बराबर आएगा? 45 डिग्री। tan इनवर्स 0 0 के बराबर है। अब 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/4। बच्चों पाई की कीमत 180, 4 पे तकसीम करेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री। तो बच्चों 45 डिग्री को कर देंगे π/4, तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा? ए जोज आ जाएगा बच्चों इसका। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर एट। अपर लिमिट गया हमारे पास 1, लोअर लिमिट गया हमारे पास 0, 1/x(x²-1), 7 आ गया dx। बच्चों 1/x(x²-1) की इंटीग्रेशन क्या है? secant इनवर्स x। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? secant इनवर्स x। दो लाइनें लगाकर अपर लिमिट लोअर लिमिट। बच्चों क्या करेंगे? secant इनवर्स 1, फिर माइनस secant इनवर्स 0। बच्चों secant इनवर्स 1, बच्चों इसकी जब इसका secant इनवर्स निकालेंगे आंसर क्या आएगा? 0। बच्चों secant इनवर्स, बच्चों ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा। secant इनवर्स 0 किसके बराबर है? बच्चों 90 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/2। बच्चों 90 डिग्री को क्या लिख देंगे? -π/2। बच्चों कौन सा आंसर बनेगा इसका? बच्चों डी जोज बनेगा। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर नाइन। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट π/3, कोसिकैंड स्केयर एक्स ओवर कोट एक्स। बच्चों इसके अंदर क्या देखेंगे? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखेंगे। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देंगे। बच्चों किस कोट का डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस कोसिकैंड स्क्वायर। बच्चों माइनस की कमी है। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट π/3।
माइनस ऊपर भी लगा देंगे। बच्चों कोट का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, दो लाइनें लगाकर ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, लो लिमिट क्या हमारे पास पाई ओवर थ्री। बच्चों लिमिट लगा देंगे अब, नेचुरल लॉग एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लगाकर, बच्चों एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हमारे पास पाई ओवर थ्री है। बच्चों ये माइनस इसी तरह नेचुरल लॉग पाई की कीमत 180, 2 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, कोट 90 डिग्री। नेचुरल लॉग कोट पाई की कीमत 183 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। बच्चों कोट 90 किसके बराबर है? बच्चों जीरो के बराबर, कोट 90 जीरो के बराबर है। और बच्चों कोट 60, बच्चों कोट 60 किसके बराबर है? 1/3 का अंडर रूट के बराबर है। बच्चों जब जीरो को जब लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा? जीरो। बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो माइनस नेचुरल लॉग 1/3 का अंडर रूट। जब जीरो को जीरो माइनस वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग 1/3 का अंडर रूट। बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? नेचुरल लॉग 1/3 का अंडर रूट आ गया आंसर इसका। कौन सा आंसर बनेगा? डी जोज। बच्चों इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 10, बच्चों एमसीक्यूज नंबर 10 आ गया हमारा। अपर लिमिट क्या हमारे पास? पाई ओवर टू। लोअर लिमिट क्या हमारे पास? जीरो। कोट एक्स साथ आ गया डी एक्स। बच्चों कोट की इंटीग्रेशन क्या हमारी? कोट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग साइन एक्स। बच्चों कोट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग साइन एक्स, अपर लिमिट पाई ओवर टू, लोअर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट है जीरो आ जाएगी। बच्चों अब लिमिट लगा देंगे, नेचुरल लॉग एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लगाकर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हमारे पास? जीरो। नेचुरल लॉग पाई की कीमत 180, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। नेचुरल साइन जीरो जीरो के बराबर है। बच्चों नेचुरल लॉग साइन 90 किसके बराबर है? बच्चों 1 के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर है। तो बच्चों ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। नेचुरल लॉग जीरो जीरो के बराबर, नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर है? नेचुरल लॉग 1 बच्चों जीरो के बराबर है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? बच्चों सी जोज बनेगा। बच्चों कौन सा आंसर बनेगा इसका? सी जोज बनेगा। बच्चों कौन सा आंसर बनेगा इसका? सी जोज। बच्चों जीरो आंसर आ जाएगा। बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर, मैथ 212 का चैप्टर नंबर 7 है और ये मैथ 233 का चैप्टर नंबर 9 है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।